अच्छा, हम लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े थे। अच्छा, आज सुबह कुछ पढ़ाए थे, पढ़ लो बोला। फिर फॉर्मूला बोल देंगे और फिर बोलेंगे आप राज का प्रणयात्रा पढ़ाइए। अच्छा, तो हमारा नाइन्थ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इतना डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे शायद ऑप्शन थे, फिर से थोड़ा बोल दे रहा हूँ। डी एक्स वाई कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चे एग्जाम में नाइन्थ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही आता है, एक क्वेश्चन श्योर है। अभी हम करेंगे कोई भी एक सेट एक निकालेंगे तो उसमें श्योर नाइन्थ स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्वेश्चन देगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर से थोड़ा बोल दे रहे फॉर्मूला, एक्चुअली दो बार बोल चुके और एक बार भी बोलते। तो इसका फॉर्मूला बोलिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें सब वन बाई टू रहेगा। बोलिए शुभेंदु, पहले ए से शुरू होगा तो प्लस आएगा, क्या होगा बोलिए, फैक्टर इसका होगा। शुभेंदु विवेंदु विवेंदु, इसका फॉर्मूला वन बाई टू लॉग विवेंदु का माइक प्रॉब्लम है, बोल रहा था कनेक्शन करो। अनंत बोले, अनंत अनवर, अनंत इसका फॉर्मूला बोले सर, वन बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। ओके, ये ए से शुरू होगा, हाँ ए से शुरू होगा तो प्लस आएगा और फैक्टर जोड़ेगा ए माइनस एक्स प्लस जोड़ेगा। ये माइनस रहेगा, ये फैक्टर जो होगा लेकिन एक्स से शुरू होगा, ये ए से शुरू होगा, एक्स से शुरू होगा तो माइनस रहेगा। अच्छा नेक्स्ट बोले, इसका फॉर्मूला कौन बोलेगा, ये भी वन बाई ट्वेल्व लगेगा। अनमोल, अर्जुन रेड्डी, विश्व रंजन, सर वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। वेरी गुड, एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। अच्छा, ये इसका है तो टैन इनवर्स के साथ होता है, इसलिए वन बाई ए टैन इनवर्स कितना एक्स बाई ए प्लस टैन इनवर्स। अभी अभी ये कहाँ पर अप्लाई करते हैं, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है, क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में रहता है, ये नाइन्थ स्टैंडर्ड फॉर्मूला का है, इसको कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करके इस फॉर्म में ला जाता है, उसका फॉर्मूला अप्लाई होता है। कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करके इस फॉर्म में लाया तो उसका फॉर्मूला अप्लाई होता है। और नहीं तो क्वेश्चन ऐसा रहता है, पी एक्स प्लस क्यू, आज सुबह कर रहे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा रहता है कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर में, हाँ इसका क्या रहता है, पी एक्स प्लस क्यू कर लो ए टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने इसका इसका डेरिवेटिव होता है प्लस बी। अब क्या था, अभी भी करेंगे, ओके अभी भी इसी का ही करेंगे और ज़्यादा आगे। अच्छा, ये जब भी ऐसा रहता है, ये द्वारा जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा फॉर्म रहता है, ये नाइन्थ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करके इस फॉर्म में लाया जाता है, उसका फॉर्मूला अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स, इसमें सिर्फ रूट रहता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके राइट, ए एक्स बाय कितना, ए एक्स बाय कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्रॉब्लम हो रहा है, ए एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट सिक्स फॉर्मूला सेम है लेकिन इसमें रूट रहेगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए एक्स बाय, करंट चला गया था, अभी आ गया
अच्छा ये फॉर्मूला बोलिए, ये फॉर्मूला इसका फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा? पैंतीस वाला क्या फॉर्मूला होगा? फोर्थ वाला सर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। वेरी गुड, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स के साथ है, अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा साइन इनवर्स एक्स होता है। ये फॉर्मूला बोलिए हमारा अनमोल, अनमोल फॉर्मूला बोले ना? नहीं अनमोल, ओके श्रेया बोल सकती है वाला फॉर्मूला? राजेश ने सुनील, क्या फॉर्मूला है? लॉग सर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट ओवर कॉपी ऑफ दिस लॉग। ये भी सेम आएगा फॉर्मूला, ये भी सेम आएगा log x plus copy of this plus c। और कौन बोल सकते हैं इसका भी वही सेम फॉर्मूला आएगा? ट्विंकल बोल इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर log x plus a square plus x square का plus c root plus c। log x plus copy of this plus c, ओके log x plus copy of this plus c। ये अप्लाई कहां पर करेंगे? अगर तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा रहता है x square plus bx plus c, इसको कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड में इस फॉर्म में लाया जाता है, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। और नहीं तो अभी एक तो करेंगे क्वेश्चन इस टाइप का, सुबह भी एक तो किए थे इस टाइप का। अगर पी एक्स प्लस क्यू रहता है, पी एक्स प्लस क्यू रहता है तुम्हारा ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है, और पी एक्स प्लस क्यू कर्ल क्या होता है? ए टाइम्स ऑफ द डेरिवेटिव किसका? ये क्वाड्रेटिक का होता है। प्लस बी होता है। अभी इसका करेंगे बच्चों, इसका दो एक्सरसाइज खत्म होता है इसलिए मैं नाइन टेन ऑफ फॉर्मूला में। अच्छा नेक्स्ट देखिए, तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, a 8 x square minus a square, और ये 9 a square plus x square हो या x square plus x square हो, दोनों सेम है। इसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इसमें सभी में स्टार्टिंग में ही x by 2 कॉपी ऑफ दिस रहता है, स्टार्टिंग में x by 2 कॉपी ऑफ सब इसी का रहता है। अभी स्टार्टिंग में x by 2 कॉपी ऑफ दिस, अच्छा ठीक है। और ये वाला a square minus x square, ये वाला साइज जुड़ जाता है, ये वाला जुड़ता है, ये भी उसी का जुड़ता है, ये भी कोई ऐड हो जाता है इसमें एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पर एक तो प्लस a square by 2 सब में रहता है, लेकिन इसमें x है तो इसलिए माइनस आता है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू सब में आता है, लेकिन ये इस केस में थोड़ा माइनस ए स्क्वायर बाई टू आता है। अच्छा उसके बाद वाला पार्ट जुट जाता है, इसका था पार्ट क्या था? साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, उसका क्या, इसका पार्ट क्या था? लॉग x प्लस कॉपी ऑफ दिस प्लस सी, ओके इसका क्या पार्ट था? log x plus copy of this plus c। log x plus copy of the plus c। अच्छा ये वाला फॉर्मूला बच्चों जो है आपका मैक्सिमम आपका यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको एरिया अंडर कर्व में, कौन सा 789 एरिया अंडर कर्व में आपका यूज होगा, a square by 2 है ये, इसमें पहला में x by 2 है। ये कहां पर अप्लाई होता है? ये कहाँ पर अप्लाई होता है? जब क्वेश्चन ऐसा रहता है इसको कॉम्पिटिंग स्क्वायर फॉर्म में, कॉम्पिटिंग स्क्वायर फॉर्म में ऐसा लाते हैं, और ऐसा फॉर्म में लाते हैं फॉर्मूला अप्लाई होता है, ऐसा फॉर्म में लाया जाएगा, ये फॉर्म में ला कर उसका फॉर्मूला अप्लाई होता है। और क्वेश्चन ऐसा रहेगा पी एक्स प्लस क्यू,
एक बार एडिशनल में दिया है, एक बार लास्ट को लास्ट पेज नंबर एडिशनल रहता है, एक्स्ट्रा जो रहता है, जो कि है पी एक्स प्लस को एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पी एक्स प्लस क्यू कर लो ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस प्लस बी ओके। मैं आज दो वीडियो सेंड किया हूँ, दोनों वीडियो पढ़ लीजिए, ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, आज कल का आज का पढ़ा गया। ओके ऐसा क्वेश्चन जब देखते हो तो ये समझ लीजिए आइंस्टाइन का फॉर्मूला क्या है, आज पढ़ाएंगे ये वाला फॉर्म का, आज सुबह भी पढ़ाए थे। चलिए करते हैं क्वेश्चन। अच्छा पहला हाथ पढ़ेंगे इस फॉर्म का सब क्वेश्चन, एक्स प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस ऐसा रहता है या पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस ऐसा रहता है, ऊपर लिनियर रहता है नीचे क्वाड्रेटिक रहता है, या पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस ऐसा रहता है। देखिए आज ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे सुबह भी, अभी भी करेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन है ये टाइप का, डैट कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करके किया जाता है, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लास्ट दो वीडियो देख लीजिए। ओके क्या कुछ डाउट है? सॉरी सर स्क्रीन हैंग हो गया है तो नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं आनंद, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बनाते हैं ये इस टाइप का क्वेश्चंस, और तुम जो भी जहां पर भी देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन तो मिल जाएगा एवरी ये में। इसे शॉर्टकट मेथड भी आज सुबह बोले थे। देखिए ये जब ऐसा क्वेश्चन रहता है ये जो x प्लस थ्री जो है ना आपकी x प्लस थ्री ये रिप्लेस होता है, इसको पी एक्स प्लस क्यू बोलते हैं, ए टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव इसका, डेरिवेटिव इसका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव का, रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, तो ए टाइम्स डेरिवेटिव इसका प्लस बी, इसका शॉर्टकट भी है सुबह बोले थे, तो एक्स प्लस थ्री के बाद में रिप्लेस होगा, इसका डेरिवेटिव कितना एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस टू प्लस बी, बी हमें निकालेंगे। ओके इसका डेरिवेटिव जब ये है इसका डेरिवेटिव ऊपर रहना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव ऊपर रहना है, इसका टू एक्स माइनस टू है, ए बी बच्चे निकालते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट कितना वन है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट टू है, देन ए इक्वल आपका वन बाई टू हो जाएगा। ये कांस्टेंट थ्री है और ये कांस्टेंट माइनस टू ए प्लस बी, ये कांस्टेंट थ्री है यहाँ पर ए से इंटू कर दीजिए माइनस टू ए प्लस बी, ए का वैल्यू डाल दीजिए, ए का वैल्यू क्या है वन बाई टू, अब ये कट जाएगा देन b इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन ए फोर आ जाएगा, b इक्वल क्या आ जाएगा फोर। बच्चों अभी इसके बदले में ये रिप्लेस होगा, ये x प्लस थ्री के बदले में ये लिखा जाएगा, तो फिर से वाला लिखिए क्या था क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस थ्री बाय कितना x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस थ्री के बदले में क्या लिखेंगे ए इंटू ए कितना आया था वन बाई टू, वन बाई टू इंटू टू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री के बदले में लिखा जाएगा वन बाई टू इंटू टू एक्स माइनस टू प्लस बी, बी कितना आया हमारा बच्चों, बी आया हमारा फोर,
ठीक है, इसका शॉर्टकट मेथड भी बोलेंगे। सुबह बोला गया था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस के, अभी बस जिसका आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, ए बाई ए इसको टी लेंगे डी टी हो जाएगा प्लस ए बाई ए, ये एक्स प्लस थ्री रिप्लेस होगा बच्चों, एक्स प्लस थ्री रिप्लेस होगा ए टाइम्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस बी, ए बी कैसा निकला समझे, एक्स प्लस थ्री को ए टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस, ए आया एक्स का कोएफिशिएंट टू है, एक्स का कोएफिशिएंट वन है, इस टाइप का हम पार्शियल फ्रैक्शन में भी करेंगे, ये कॉन्स्टेंट थ्री है, ये कॉन्स्टेंट माइनस टू ए प्लस बी, ये बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये फोर आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चा अब क्या करेंगे इसका, जब इंटीग्रेशन करेंगे ए बाई ए को करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव प्लस ये फोर बाई, फोर बाई द्वारा डी एक्स बाय कितना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, ठीक है। अच्छा बच्चों इसको अभी इस टाइप का क्वेश्चन में ओनली इसी टाइप का भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा, ओनली इसका इंटीग्रेशन ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करके करेंगे, जो कि तुम्हारा मैं बोल रहा था ओके, ये ओनली ये वाला, ओनली ये वाला, ओनली ये वाला, अगर सीखे नहीं अब सीख लो, अगर कोई बार चार टाइम नहीं किए ओनली इसी टाइप तो ओनली इसी का कैसे इंटीग्रेशन होता है, तो वाला सेकेंड पार्ट है, अभी सीख लो बच्चों ये वाला ओनली इसका कैसे होता है, ये आता है वन बाय टू, इसको टी लेंगे इसका डेरिवेटिव वो है, और इसका कॉम्प्लीट ओनली इसी का देगा तो कॉम्प्लीट स्क्वायर कैसे क्या था देखिए ओके, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए कौन है आपका, यहाँ पर हाँ बच्चे क्या ए तुम्हारा एक्स है, हमें पता है ए हमारा एक्स है, ए स्क्वायर माइनस टू ए, बी क्या होने से माइनस टू एक्स होगा, बी बच्चे क्या होने से माइनस टू एक्स होगा, वन सर वन, एक वन का स्क्वायर आठ कीजिए, एक वन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चे, इसका इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, टी किसे लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, अच्छा ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर हो जाए बच्चों, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए प्लस आ रहा ना माइनस आ रहा है, यहां पर माइनस फाइव था तो प्लस वन के तो माइनस वन, ये माइनस सिक्स आ रहा है ओके, इस माइनस सिक्स को क्या कीजिए माइनस रूट सिक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस सिक्स आएगा इसको माइनस रूट सिक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकल चुका है, वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, इसका बच्चों द्वारा जब ये कोई लीनियर देखते हैं डालने की कोई बात नहीं है, तो जेड ले लीजिए प्रोफेसर आप ये लिए थे, जब भी कोई लीनियर लेते हैं इसको डालने की कोई बात नहीं, इसको टी लेंगे तो डी एक्स सिंपली डी टी होगा, सॉरी जेड ले तो डी जेड होगा, अगर यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट है सपोज टू रहता तो डी जेड बाय टू होता, वन बाय टू बाहर आता, अगर थ्री रहता यहाँ पर डी एक्स तो ये dz by 3 होता, 1 by 3 बाहर आता, देखिए ये नाइन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एग्जाम में ओनली ये वाला भी देगा, ओनली ये वाला देगा, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, और ये ऐसा फॉर्म में वो नाइन स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया। अच्छा बोलिए z x square minus a square का क्या फॉर्मूला था, नाइन स्टैंडर्ड फॉर्मूला का x square minus a square का क्या फॉर्मूला था, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओनली डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था बच्चों, क्या आप ले कीजिए, हमें जब भी उस टाइप इस टाइप का क्वेश्चन देता है
इस टाइप कर देता है, इसे कॉम्पिटिंग स्क्वायर में इस फॉर्म में लाते हैं और इस टाइप कर देता है, क्योंकि हम लोग किए ए टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस क्लॉज भी। ओके, फिलहाल इसका फॉर्मूला 1/2 log x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए बाई सी। देखिए वो फॉर्मूला से आपको बनाइए, ये इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकल चुका है, ये किसका, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 a, ए आपका माइनस, ए आपका रूट सिक्स है, लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस जेड, किसे के लिए थे, जेड एक्स माइनस वन को लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, ये कटेगा तो काट दीजिए, प्लस टू बाय रूट सिक्स लॉग जेड किसे लिए थे, एक्स माइनस वन को लिए थे, एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स बाई एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस, ये आपका आंसर है। ओके, तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा देखते हो ये समझ लीजिए ये आपका नाइन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसका और एक बार था शॉर्टकट बोल रहा था मैं तुम्हें, इसका शॉर्टकट बोल रहा था, अगर x प्लस थ्री बाई क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव। अच्छा, शॉर्टकट में यह करने की जरूरत नहीं, जो ax प्लस बी इसको x प्लस थ्री इक्वल टू एट टाइम्स, ये कुछ जरूरत नहीं है। ये शॉर्टकट देखिए कैसे होगा, आपको एक बात समझ लेना है कि अगर क्वाड्रेटिक है लीनियर है तो बहुत खुशी का बात है, यहाँ क्यूबिक रहेगा और ऊपर क्वाड्रेटिक रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर यहाँ बाई क्वाड्रेटिक रहेगा और ऊपर क्यूबिक रहेगा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है लीनियर है, देखिए क्या होगा, पहले इसका डेरिवेटिव जैसे ऊपर में रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, टू एक्स, माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू आएगा, जैसे भी उसका डेरिवेटिव रहेगा। अच्छा, एक्स में क्या करने से, इसमें और 2x में क्या करने से x आएगा, दैट इज व्हाट, 1/2, ये इसका डेरिवेटिव जैसे भी उसका ऊपर रखोगे। ओके, तो मुझे x चाहिए तो क्या ये 2x है, इसमें क्या करने से x आएगा, 1/2 इंटू करोगे तो 1/2 इंटू करने से x आ गया, 1/2 इंटू करने से इधर भी 1/2 इंटू माइनस वन, माइनस वन में क्या ऐड करने से प्लस 3 आएगा, दैट इज व्हाट, 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मेरा ए 1/2 है, बी 4 है, समझे बच्चों, क्या करने से एक्स आएगा, 1/2 इंटू करना है, इसे इंटू का इसे भी इंटू का माइनस वन, माइनस वन में क्या ऐड करने से 3 आ रहा है, 4। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दिस बाय दिस कर दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में दिस बाय दिस कर दीजिए और दिस बाय दिस कर दीजिए, इसे टी ले लीजिए, ऊपर डी टी हो जाएगा और ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करेंगे। इसका सिंगल भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दिस बाय दिस कीजिए, इसे टी लीजिए, डी टी होगा और ये 4 बाहर आगे से कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर में करेंगे। करते हैं क्वेश्चन और एक तो, अच्छा देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले बच्चों में शॉर्टकट कर रहा हूं उसके बाद मॉर्कट करूंगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, बच्चा इसका डेरिवेटिव ऊपर एक तो रहना जरूरी है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव बोलिए 2x प्लस 4। देखिए मेरा 2 कटना है 5 आना है, मेरा 2 कटना है, पर इसका डेरिवेटिव जब ये क्वाड्रेटिक है इसका डेरिवेटिव श्योर ऊपर रहना जरूरी है, जो करते करो। ओके, तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 4 है, मेरा 2 कटना है तो 5 आना है, 2 कटना है तो डिवाइड 2 करिए
फाइव आना है। अभी बच्चे फाइव एक्स बन रहा है कि नहीं देखिए बच्चे, ये फाइव एक्स बन रहा है, टू कटना है, फाइव आना है, ठीक है। इसको फाइव बाई टू से भी इंटू करो बच्चों, फाइव बाई टू इंटू करने से टेन बन रहा है, ये टू टू कट जाएगा बच्चों, फाइव बाई टू इंटू करो, फाइव बाई टू इंटू फोर, ये बच्चों टेन बन रहा है। क्या करने से ये इंटू ये टेन आ रहा है, क्या करने से थ्री आएगा माइनस सेवन। फिर से बोल रहा हूँ, इसे तुम सिंप्लीफाई करने से ये आना जरूरी है, पहला इसका डेरिवेटिव ऊपर रहना है। और सब सुन रहे हो कि नहीं बच्चों, सब सुन रहे कि नहीं, पहला इसका डेरिवेटिव ऊपर रख दोगे, ठीक है। ये फाइव बाई टू टू कट जाएगा, फाइव एक्स आ रहा है, ये फाइव बाई टू से करने से टेन आ रहा है, मुझे यहाँ थ्री चाहिए, क्या सब क्या करने से थ्री आएगा, माइनस सेवन कर लीजिए। और नहीं तो उसको आप एक्स प्लस बी मेथड में भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जिस बार जिस एक हो आएगा, कॉन्स्टेंट बार रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, और ये माइनस सेवन डी एक्स बाई ये भी एक हो आएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन। अरे बच्चों दिस बाय दिस एक तो माइनस सेवन दिस बाय दिस एक हो गए, फाइव बाई टू रहे दिस बाय दिस माइनस सेवन हो गए। अच्छा बच्चों इस फॉर्मिंग जो मंथ है ना, आप लोग को 2000 देने की जरूरत नहीं, सभी 1000 ले दोगे हर सब्जेक्ट। फॉर्मिंग मंथ तुम लोग को 15 या 20 तारीख से कभी फीस के बारे में बोला जाएगा आपको, ये नेक्स्ट मंथ का आपको 1000 ले जाएगा हर सब्जेक्ट में, और 2000 पर सब्जेक्ट ले दोगे। अच्छा देखिए इसका डेरिवेटिव किए, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 4 आया, और ये दिस बाय दिस कीजिए प्लस 7 बाय दिस, ओके। अच्छा तभी देखिए अभी इसको t ले लीजिए, इसको t ले लीजिए, टी ले लीजिए, ऊपर डीटी हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। एग्जाम में बच्चों ओनली ए पार्ट भी आता है, एग्जाम में बच्चों ओनली ए वाला पार्ट भी गिरता है, ओनली इसका भी ओनली इतना बोलेगा, बोलेगा इंटीग्रेशन इसका निकालो, इसका कॉम्पिटेटिव स्क्वायर मेथड में करते हैं, ओनली इस पार्ट भी रहता है, ओनली सी का आइडिया होता है। देखिए इसको कैसे कॉम्पिटेटिव स्क्वायर के करके करते हैं, ये पार्ट का तो हो गया टीले ऊपर टिटी हो गया, ओके। तो इसको कैसे कॉम्पिटेटिव स्क्वायर में करते हैं, ये स्क्वायर हुआ तो चार बायोलॉजी है क्या टाइम है, और एक तो वो मेन वाला है तो कॉम्प्लीट होना जरूरी है, और एक क्वेश्चन। अच्छा देखो ये स्क्वायर हुआ प्लस टू ए, बी क्या होने से बच्चों फोर एक्स होगा, बच्चों बी क्या होने से फोर एक्स होगा तो एक टू का स्क्वायर आठ कीजिए, आठ किए तो एक तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, टू का स्क्वायर एक आठ कीजिए सो दैट एक फॉर्मूला आएगा, उसके बाद ये टेन में टू का स्क्वायर एक सब्ट्रैक्ट कीजिए। इसका इंटीग्रेशन और भी पक्की है बच्चों, अब ये टी का पर हाफ ऊपर चला जाएगा, इसके बाद एक्स टू एन का इंटीग्रेशन करेगा, एक्स टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ओके। और ये बच्चों इसका है, इसका इंटीग्रेशन क्या है देखिए, ये बनता है x प्लस टू का होल स्क्वायर, ओके। एक्स प्लस टू का क्या आता है, प्लस आता है तो माइनस आता है, तो देखिए 10 माइनस 4 कितना प्लस 6 आता है, ठीक है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन बना दीजिए, इसका इंटीग्रेशन बना दीजिए, ये टी का पर माइनस हाफ है, एक्स एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ओके। एक्स टू द एन का फॉर्मूला बोलिए, एक्स टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन,
माइनस सेवन बाई, अच्छा ये द्वारा क्या है, ये x प्लस टू का होल स्क्वायर हुआ, टेन माइनस फोर रूट सिक्स हुआ। अच्छा जब ये लेता है इसे, ये जेड ले लीजिए, ओके जेड ले लीजिए, अगर कुछ कोएफिशिएंट रहता है टू है वो डी जेड बाई टू होता, अगर थ्री रहता तो डी जेड बाई थ्री होता, कुछ कोएफिशिएंट नहीं तो इसको जेड लेंगे तो डी जेड हो जाएगा। ओके अभी ये फॉर्मूला क्या हो गया, टी टी किसे लिए थे बच्चों, टी लिए थे हमारे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन इसको टी लेते। ये वन माइनस हाफ हाफ होता है दैट इज रूट, ये भी हाफ होता है लेकिन उसे हाफ को उल्टा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बच्चा हाफ होता है हाफ, ओके टी उसे लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, ओके ये बच्चों क्या होता है इसका फॉर्मूला है तो देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला देख लीजिए, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स वाई प्लस सी, ओके तो इस फॉर्मूला का आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, उसमें रूट ओवर था क्या, रूट ओवर बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ये वाला फॉर्मूला एक्स ये वाला लॉग एक्स प्लस कॉपी ऑफ दिस प्लस सी, ओके लॉग एक्स प्लस कॉपी ऑफ दिस प्लस सी रूट ओवर है, ये फॉर्मूला आएगा माइनस सेवन लॉग एक्स प्लस कॉपी ऑफ दिस लॉग एक्स प्लस कॉपी ऑफ दिस प्लस सी, लॉग आएगा इसका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, अगर ये नहीं रहता वो टैन इनवर्स है, रूट नहीं रहता तो टैन इनवर्स का है वन बाई टैन इनवर्स एक्स एक्स बाई रूट, अगर नहीं रूट है तो लॉग एक्स प्लस कॉपी ऑफ दिस प्लस सी। अच्छा जेड किसे लिए थे बच्चों, एक्स प्लस टू को, बच ये टू कट जाएगा, ये फाइव है कितना, ये फाइव आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन आएगा, ये माइनस सेवन लॉग जेड किसे लिए थे, जेड लिए थे एक्स प्लस टू टू। और बच्चों ये जो है ना, ये जेड स्क्वायर ये माइनस ये ना उसको ना ये पूरा ये वाला लिख दीजिए पूरा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन उसी का ये सब हुआ है, तो ये इसके बदले में बच्चों पूरा लिखिए जो हमारा आया था एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, लॉग एक्स और ये जेड, हाँ ये बीच में बच्चों प्लस रहेगा, बीच में प्लस रहेगा एक्स प्लस कॉपी ऑफ दिस प्लस सी, ये वाला उसका स्टार्टिंग वाला लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। क्या हुआ अर्जुन, कुछ डाउट है? अरे देख देखे क्वेश्चन बच्चे इस टाइप का जो कि एग्जाम आता है मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आते हैं, अरे वही टाइप का है जो हम पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, यही टाइप का है ये वाला टाइप का है, सेम थिंग है px प्लस q है। देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका डेरिवेटिव यहां पर बच्चे लेना है, नहीं तो शॉर्टकट में आप कीजिए, शॉर्टकट में क्या होगा देखिए, ये x प्लस थ्री इक्वल टू, सॉरी ये
फुल मेथड है, ए टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव बोले इसका, इसका डेरिवेटिव 3 का तो 0, माइनस 4 एक्स माइनस 4 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2 एक्स आएगा प्लस बी, और चाहिए एक्स प्लस 3 के बदले बच्चे ये लिखेंगे, सेम मेथड है, सेम ये है, ये एक्स प्लस 3 का ए टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 का तो 0, माइनस 4 एक्स का माइनस 4 माइनस 3, अच्छा x का एक, x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट बच्चों माइनस 2 आएगा, x का कोएफिशिएंट माइनस 2 आएगा, चल बच्चों a इक्वल टू क्या होगा 1 बाय माइनस 2, क्या नहीं जाएगा बोलना फोन कर दीजिए, मैं वेट करने के, मैं 10 मिनट के बाद जाऊंगा। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, तो नहीं एक क्वार्ट कितना माइनस 1 बाय 2। नेक्स्ट यहाँ पर ये 3 है, ये माइनस 4 है प्लस बी, अच्छा एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, a इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ये 3, ये माइनस कॉन्स्टेंट है आपका 3 है, ये कॉन्स्टेंट है माइनस 4 है प्लस b, a का वैल्यू पुट कीजिए, a का वैल्यू माइनस 2 पुट कीजिए, ये बच्चों प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 ओके कट जाएगा, माइनस टू माइनस वन कटेगा प्लस टू, बी इक्वल आपका आएगा 3 माइनस टू 1 आएगा बच्चे, इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए ये एक्स प्लस 3 के बदले में लिखिए, एक्स प्लस 3 के बदले में लिखिए प्लस 3 इक्वल टू 1, अच्छा देखिए x प्लस 3 के बदले में क्या लिखिए, ये लिखिए, अच्छा देखिए ये हमारा ये क्वेश्चन ही है, अच्छा x प्लस 3 के बदले में क्या लिखिए, ये वाला लिखा जाएगा, ए कितना बचाया माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 माइनस 4 माइनस 2 एक्स, प्लस बी कितना आया बच्चों, बी आया 1, ये 3 माइनस कितना 4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा शॉर्टकट में भी कर सकते हो, क्या शॉर्टकट करोगे, पहला इसका डेरिवेटिव लिख दोगे, शॉर्टकट में इसका कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव पहला बोलो क्या आएगा डेरिवेटिव, दैट इज माइनस 4 माइनस 2 एक्स, अच्छा बोलो क्या इंटू करने से, क्या इंटू करने से पर एक्स आएगा, माइनस 1 बाई 2 इंटू करने से एक्स आएगा, तो क्या इंटू करने से एक्स आएगा माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 इंटू किए, नहीं तो 1 बाई माइनस 2 इंटू कीजिए, 1 बाई माइनस 2 इंटू करने से एक्स आएगा, 1 बाई माइनस 2 से किए तो इधर भी करोगे, 1 बाई माइनस 2 में प्लस 2 आएगा, प्लस 2 में क्या ऐड करने से 3 आएगा, प्लस 2 में 1 ऐड करने से 3 आएगा, एक्स प्लस 3 का मतलब ये लिखिए, पहले इसका डेरिवेटिव लिख दीजिए, क्या ऐड करने से एक्स आएगा 1 बाय माइनस 2, तो इस 1 बाय माइनस इधर इधर कीजिए, यहाँ पर प्लस 2 आ रहा है, क्या ऐड करने से 3 आएगा प्लस 1, आप बच्चों क्या कीजिए शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, आप बच्चों दिस इंटू दिस, ये माइनस 1 बाय 2 माइनस 4 माइनस 2 एक्स
ये 3 - 4x - x2, इसको t लोगे तो ये dt होगा, ये और ये dt होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव है, और प्लस इसे 1 से इंटू लीजिए बच्चों, ये इंटू ये कीजिए ओके, और प्लस ये इंटू 1 कीजिए, ये 3 - 4x - x2। एग्जाम में ओनली इसका भी इंटीग्रेशन पूछेगा, ए इंटू ए प्लस 1 इंटू ए इंटू ए, ठीक है। अब बच्चों इसको टी ले लीजिए, इसको टी ले लीजिए, ये -1/2 रहेगा, बाहर इसको टी ले लीजिए, इसको टी ले ले, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव -4 - 2x और डी ए, -4 - 2x और dx से dt हो जाएगा, इसको t लिए इसका dt। बच्चों हम इसका हम किए थे, ये एक अलग से एक्सरसाइज का है, इस टाइप का हम इंटीग्रेशन किए थे बच्चों, पहले इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, इस टाइप का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली सिंगल का भी आएगा एग्जाम में, सिंगल का भी आएगा, मतलब पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 3, इसको कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये टी का पर हाफ प्लस 1/2 + 1, इसका सिंगल भी बच्चों आएगा, बच्चों से कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2a, बी क्या होने से बच्चों 4x होगा, b क्या होने से 4x होगा बोलिए, 2 b 2 आना है ओके। तो एक बच्चों क्या करेंगे, एक 2 का स्क्वायर ऐड कीजिए और एक 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। इसका सिंगल भी बच्चों क्वेश्चन पूछेगा, इसका सिंगल भी, इस टाइप का सिंगल भी पूछेगा, तो सिंगल इस टाइप का, तो पहले माइनस कॉमन लेंगे, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करके फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे, बिकॉज माइनस का रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ये टी का पावर 3/2 और ये भी 3/2 होगा, उसको उल्टा का मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा इसका क्या कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर हुआ बच्चों, इसका क्या कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर हुआ, ये बना एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बना एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये बना कितना -3 - 4, क्या आ रहा है देखो, ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 - 4 - 7, -7 को क्या कर सकते हैं, √7 का स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा टी किसे लेते, ये 2 कट गया, ये -2 आएगा सर, चलिए ये 2 कटेगा बच्चों, ये बनेगा कितना -1/3, टी किसे लेते बच्चों, टी किसे लेते, -4 टी लेते, 3 इसको टी लेते तो डीटी हुआ था, 3 - 4x - x2 को लेते लेते, 3 - 4x - x2 को लेते। बच्चे ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर हो गया बच्चों, ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर होने तो माइनस का रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा √7 - x - 2 2। आफ्टर कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर बाद फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते, इसका सिंगल भी पूछेगा बच्चों, इसका सिंगल कैसे होगा समझे, तो सिंगल भी पूछेगा, ऐसा वाला पूछेगा, इसका इंटीग्रेशन आप पहला माइनस कॉमन लेंगे, इसका कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, होने का फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो एक आंसर हो गया इसका, 3 - 4x - x2 का 3/2। अच्छा बच्चों ये देखिए, ये बोले किस किस का फॉर्मूला, बोले ए स्क्वायर में 789 में जो फॉर्मूला था,
a square minus x square. ये 7, 8, 9 में जो फॉर्मूला था x by 2 a square minus x square root over फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, ये देख कर ये वाला, ये 7, 8, 9 में फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये फॉर्मूला एरिया अंडर कर्व में बहुत यूज है, x by 2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a square by 2 sin inverse x by inverse, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए क्या x by 2, अच्छा बच्चे इसको t ले लीजिए, ये t ले लेंगे तो ये dt हो जाएगा, ओके अच्छा ये इसको t लेंगे dt होगा, ये लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला था x by 2 x by 2 उसके बाद इसको t लिखे बाद में t के बाद फिर x plus 2 लिख दीजिए, हाँ x by 2 copy of this x by 2 copy of this के बदले में ये वाला लिख दीजिए, copy of this के बदले में ये वाला लिख दे 3 minus 4 x minus x square x by 2 copy of this इसका copy बदले वाला लिख दीजिए plus a square by 2 प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर रूट सेवन का स्क्वायर, रूट सेवन का स्क्वायर सेवन आ गया, ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ये टी टी जो है एक्स प्लस टू बाय ए, ए कितना रूट सेवन प्लस सी, आंसर थोड़ा चेक कर दीजिए, a square minus x square x by 2 copy of this plus a square by 2 sin inverse x by a plus c, ठीक है ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, मैं और भी तुम्हें शेयर करूंगा, थोड़ा नाइट स्टैंडर्ड फॉर्मूला फिर से थोड़ा पढ़ लीजिए सभी, ओके आज इतना रहने दो, थोड़ा काम है।